हाँ बहू, हमें ना खानो पराठो, हमें तो डांस की प्रैक्टिस करनो है। अरे हपुआ रुक, तू भी ना खा। अरे खानो के बाद डांस करेगो ना तो पेट में दर्द होएगो। हाओ सही कह रही, आला सातो है बासे। नहीं खाना सोचो। डांस को तो मजो ही कुछ और है गो, है ना? हाओ हाओ अम्मा, बिल्कुल सही। ओ गवैये, कोई फड़कता हुआ गाना गा। अभी गा तू अम्मा। चलो ठपुआ। हाओ हाओ चलो। ने देखा कैसे मस्ती कर रहे थे दादी के साथ? हाँ बेटा, हमने देखो कैसे उचक उचक के नाच रहे थे। मन तो कर रहा था कि टांग तोड़ के धर दे उनकी। मम्मी मैं उनको यहाँ पे बुला लेता हूँ, फिर आप मेरे बैट से ना उनकी टांगे तोड़ देना। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं। तो फिर कैसे तोड़नी है टांगे? तुम ना केला ले और केला को छिलका ना अपने पापा के पैर के नीचे डाल दो, उनको पैर जापे पड़े तो खेल हो जाइए, फिर देखो कैसे लंगड़ात भय आते हैं। हाँ मम्मी, मेरा है ना मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है। मैं तो सिर्फ बता रहा था कि मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है। ठीक है, तुम हमारा काम कर दो, हम तुम्हारा रिचार्ज करवा दिए, वो भी पूरा 100 रुपया को। डन, आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रॉमिस नहीं भूलना। हम अपना प्रॉमिस नहीं भूले हैं। अपना प्रॉमिस बिल्कुल नहीं भूलना। यार राजू, चुका करू तुमने, तुम यार भागिया यहां तो इंतजार कर रहे तुम। आओ हमसे तुम्हारा, तुम्हारी अम्मा को ना वो कपल डांस ना देखोगा। अरे यार राजू, तुम बच्चों जैसी बात यहाँ कर रही, ऐसू मौकू बार बार थोड़ी मिलतू है, आज मिलो हमने सोची अम्मा के संगे थोड़ी नाच ले। हाँ तो अच्छा करो ना जो नाच लो, लेकिन एक बात हमारी समझ में ना आई। कौन सी बात? नहीं वैसे तो तुम्हारी अम्मा को कमर को दर्द पूरे साल रहता है, दिन भर चिल्लाती हैं, पर जब नाचबे की बारी आई तो 16 साल की बिटिया बन के फुदकन लगी। हाँ तब कहाँ गाओ दर्द। तुम पहले जो बताओ, अम्मा से इतनी चिढ़ी काय रहती हूँ, अब हम तो यार उनके लाने बढ़िया बढ़िया मीठू मीठू प्यारू प्यारू बोलो। हम नहीं चिढ़ते हैं, तुम्हारी अम्मा ही चिढ़ती हैं हमसे। अरे ना ना, ऐसा बिल्कुल ना। एकदम चुप रहो तुम, जी अपनी अम्मा की वकालत हमारे सामने ना करो तुम, ठीक है? और हमें एक बात बताओ, तुम तो हमारे संगे नाचन वाले हते। हाँ हाँ नाचनू तो हमें तुम्हारे ही संग में हतो, लेकिन अब लेकिन तुम्हारी अम्मा ने बीच में टांग घुसेड़ दई कहे। यार रज्जू जी गलत बात है, मतलब अम्मा के लाने मतलब कुछ भी बोल रही, कछु बोलने से पहले सोचो समझो, मतलब कब। नहीं नहीं सोच बे समझने कछु है। बोलो कहा सोचो और कहा समझे हम। अरे तुम इतनो सोचो, सिर्फ इतनो सोचो कि अम्मा बुजुर्ग है, बुढ़ापो है, उनको मन रखने के लाने तनक अफो तक लाई ऐसे ऐसे। लेकिन एक बात कही, असली वालो डांस तो तुम्हारे संग ही करेंगे।
चिलचिलते। ना ना रज्जू, हम सच कह रहे। मतलब तुम हमारे संगे नाचे हो? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगी। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई कोई ना मिला चलते चलते भाई। दादी दादी क्या बात है हमारी बच्ची, क्या बात है? अरे दादी एक खबर लाई हूँ, बहुत जरूरी खबर है। अच्छा इतने आके बता क्या खबर आ गई। पापा आपको बेवकूफ बना रहे हैं। है? वो प्रैक्टिस तो आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन डांस कंपटीशन में डांस मम्मी के साथ करेंगे। तुझे कैसे पता चला? अरे अभी उन दोनों की बातें सुन के आ रही हूँ मैं। अच्छा जे बात हैगी। जे बात हैगी। तुम जो बताओ, अपनी गर्दन काट के गैस पे धर दे तब विश्वास होगा? चुप हो जाओ, ऐसा ना बोलो। पर तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम अपनी अम्मा को देख के कब बदल जाओ? हाँ हम कसम खा के कह रहे हैं, अब अम्मा की मतलब कौन भी मामलो हो, अम्मा की जब मामले में हम बात ही ना सुनेंगे, और डांस तो तुम्हारे साथ ही होगा। तो हफवा हमको बेवकूफ बना रहे हो? बेवकूफ बना रहे हैं। अभी बुलाते हैं इनको। अभी बुला। हफवा, ओ हफवा, बाहर निकल, और साथ में वो महारानी को भी ले गया। बंद करो। ऐसो कहोगो अम्मा, इतनो काय चिचिया रही कहोगो? हम चिचियाए नहीं है। मन तो कर रहा है तुम्हारे दोनों हाथ पैर और टांगे तोड़ के तुम्हें गंगा में बहा दें। अरे अम्मा ऐसो का कर दो इन्हें जो तुम गंगा में फेंकन जा रही हो इन्हें। तू तो चुप ही रह, जे सब तेरी और तेरी अम्मा के सहारों पे हो रहा हो। अम्मा जे बात बात पे हमारे मायके वालों को बीच में ना लाओ, मैं तो जगह में ईट से ईट बच जाए यहाँ। हाँ तू तो यही चाहती है कि जा घर में लड़ाई झगड़े हो। अरे ठहर जाओ अम्मा, कसम से कह रहे दो मिनट नहीं होते हैं, तुम लोग अचानक से सांप और न्योला बन जाती और कुचर 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 झगड़ा। जे बता कि तूने हमसे झूठ बोलो कि तू हमारे साथ डांस करेगो? हम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैंगे और उतर तू कंपटीशन में अपनी लुगाई के साथ डांस करेगा? तो जहाँ में गलती कहाँ है अम्मा? हर पत्नी को अधिकार होते कि अपने पति के संगे नाचे कि नहीं, बताओ? देख ली अपनी लुगाई की जुबान, देखो। अरे कछु नहीं, अरे जे जे असल में जाको दोष दोष इको ना है, जे 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 सारे जी 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 है तुम और उनको सारो करो धरा हुए सारे। अरे पढ़ाई तो करते ना है, हम जाएंगे स्कूल, अब ड्यूटी सारो बाद में जाएंगे, पहले स्कूल जाएंगे और प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे सारे। अरे होमवर्क ना करते हैं कछु, पढ़ाई ना करते हैं, बस चुगलियां करवा लो अम्मा से। खबरदार जो हमारे बच्चन को कुछ कहा तो का जो कुछ बोलना है हमसे बोलो, और अगर एक माँ की इच्छा है गई है कि अपने बेटे के साथ डांस करेगो तो इसमें कौन सा नींबू निचुड़ गो? कछु ना निकलो, इन्हें कहीं कछु हो गो, गलत टाइम पे ही बजतो है। जैन साहब, जैन पान की दुकान पे खड़े हम बस निकल ही रहे। हाउ हाउ, अरे साहब थाने ना आएंगे तो कहाँ जाएंगे? हाउ हाउ थाने आ रहे, स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे कि देखो आपको फोन आओ। लंबी उम्र है हमारी। हाउ हाउ पहुँच रहे जैन साहब। कोई थाने वाने ना जाएगो, इस बात का फैसला होगो कि तू डांस कंपटीशन में कौन संगे डांस करेगो। हाँ ठीक है अम्मा, तुम करवा लो फैसला। पति के ऊपर पत्नी को अधिकार। अच्छा, और जे माँ जिसने 9 महीने तक इस हबुआ को अपने कोख में रखा, पाल पोस के इतो बड़ो कियो और पैसे दे के दरोगा बनाओ, उसका कोई हक ना है, और तू 2 दिन की आई हुई तेरो हक होगा? अरे दादा हक 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 रख सारो हक इते को रख, हमारी सुन लो सुतर, हम फ्री पढ़ने में पंजीरी बांट रहेगा। हमारी तो सुन लियो दादा, तुम्हें सब नाचने की पहले पड़ी। एक काम करो ना, आधू काट लू, आधू तुम रख लू, आधू तुम रख लू, दो तरफ फोदकते रहेंगे ससुर हमें। का है जो जो फिर बज रहा हुआ यार? हफुआ कोई भी फैसलो होने से पहले
तू जा घर से हिलो ना तो हम तेरे गुर्दन में नींबू निचोड़ देंगे और वा के ऊपर नमक बुरक देंगे। इतने का घूर रहे हाँ बनाओ बहाने। आओ आओ जैन साहब। अरे दादा हप्पू सिंह तुम इतना करा क्यों रहे हो? निकले नहीं अभी तक? नाना सब बाहर निकली, पता नहीं कौन धी की लठ को मुंह देखो, हमने बाहर निकलते नहीं, एक्सीडेंट हो गया साहब। क्या कैसे हुआ एक्सीडेंट? कैसे कछु नहीं, जब 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 ग्रह नक्षत्र बेकार चलते हैं ना साहब, घर से बाहर निकले जैसे ही स्कूटर पे सोचो चढ़े, सामने से बैलगाड़ी आ गई, बैलगाड़ी में घुस गो पूरे स्कूटर घुस गो साहब। बैल आती ना जो सारे दो सिंह हमारे पिछवाड़े घुस गए और बागू पहिया हमसे टकरा गो, हम कूद के ऐसी गिरी नाला में पूरा मुंह घुस गो हमाओ, एक किलो मट्टी घुस गई हमारे मुंह में। अपो सिंह मुंह हाथ धो के जल्दी पहुंचो, ये छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। नाना नाना साहब ऐसी बात ना है, इतनो सो हो तो हम दौड़े दौड़े आ जाते थाने, टांग टूट गई पूरी, कचर गई बिल्कुल। चलो ठीक है अब बता तेरी टांग तोड़ दे। जा दूसरी तोड़ देगी जैन साहब। अम्मा एक काम करो, जो बात करने अब अंदर करो यार। बात बात कछु ना होगी, अब सिर्फ फैसलो होगो। हाओ हाओ हम बढ़िया है, फैसलो भी होगो तो अंदर होगो, अंदर करो। अब जो बज रहा हूँ फिर से। जैन साहब। हाँ बोलो रामलाल। आपकी टांग टूटी है का साहब? नहीं तो को कछु शक है का? नहीं नहीं हमें नहीं सर, कमिश्नर साहब को है और वही शक दूर करने के लिए आपके घर पे आ रहे हैं। हाँ हाँ आ रहे। हाँ हाँ आने दो बहुत बढ़िया। ठीक 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 साहब। जो फैल गई चिरान, कसम से कह रहे जो कमिश्नर के भी ना गर्दन में बड़ी खुजली होती है ससुर के, चैन ही ना मिलते ससुर को अकेले। अब आ रहा हुए हमने कितनी बार कही है घर में ज्यादा चेक 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 कलेश ये सब ना करे करो यार, लेकिन हमारी चलती कहाँ है? हमें ना सुनाओ, जिनकी चलती है उन्हीं से बोलो। हमें कहूँ से कछु ना बोलने, अब सीधी सीधी वो पधार रहा हुआ कमिश्नर, सो संभालियो दोनों जने। ओहो हपुआ तू चिंता ना कर, हम सब संभाल लेंगे। हाँ अम्मा सही बोल रही, जब सर आई है ना तो अम्मा और हम मिलके सब संभाल लिए। कहाँ संभाल लोगे, टूटी टांग बोली है बात से तुम्हें पता है, हमने बोली है कि हमारी टांग टूट गई है, अब कैसे जो टूटी टांग कैसे दिखाएंगे, सारू जब घरे आएगो राय तो फैल जाएगो, दूध को दूध और पानी को पानी हो जाएगो। अब क्या होगा पापा? कछु ना होगो, तुम्हारे बाप की जाएगी नौकरी और सारे नौ ठैया जो खेलते हो ना अबे चुलर पुलर, सारे भूखे मरियो, आटे दाल को भाव पता चल जाएगो और बाप छीलेगो गुइया। अरे ना चमची कोई भूखो ना मरेगो, अरे जब तक तुम्हारी अम्मा जिंदा है कछु ना होने वाला है तुम्हारी नौकरी को। तो क्या करें, टूटो पाँव कहाँ से दिखाएं। तुम्हें याद है एक बार कैट को पाँव टूट गया हुआ तो, हाँ भाई प्लास्टर चढ़ो हुआ तो, ब प्लास्टर अभी तक रखो है, हम भाई तुम्हारे पैर में घुसेड़ दिए। सही है ना अम्मा? सही है, आइडिया बुरा नहीं है, हमें कब कहूँ बड़ा गर्व होता है कि हमारी बीवी है। हाँ। बहुत बढ़िया, लेके आओ जल्दी लेके आओ तुम, हम अभियान ले रहे। हाँ, जा, जा, ले, 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 कितनी होशियार है जा। हाँ, ज्यादा तारीफ ना कर। ओ कमलेश, यू गिफ्टिंग मी दिस फोन इन गिफ्ट, यू टेलिंग मी दैट यू कॉलिंग मी बट यू नॉट कॉलिंग मी, मी वेटिंग मी ऑलवेज वॉचिंग अ ड्रीम दैट यू कॉलिंग मी एंड मी टॉकिंग ऑन फोन डे नाइट बट यू नॉट कॉलिंग मी कमलेश, इज योर हार्ट अ स्टोन? हाँ सम टाइम अगो योर हार्ट वॉज लवली बट नाउ योर हार्ट इज हार्ड कमलेश,
Hi, mother. Mother. Mother, why your mouth is not delivering any sound? जी अंग्रेजी बंद करो बताओ जी प्लास्टर कहाँ रखा है तुम्हारा? Me not watching any plaster. का? मेरा मतलब है मैंने कोई प्लास्टर नहीं देखा. बेधरो तो है. हटा पे. हटाओ ते. Mother, please don't take this plaster. This is my favorite plaster. अरे तू क्या करेगी जाको अचार डालेगी क्या? हटो. Don't take this, mother, please. अरे पर कमिश्नर साहब घर में आ रहे हैं हमें जो चाहिए अभी. Oh God. How am I explaining it? That Kamlesh phone is inside. If I speak the truth, then mother will be beating me hard. अरे तुम्हारे पापा ने कमिश्नर साहब से झूठ बोल दिया है कि उनको पैर टूट गया है. कमिश्नर साहब उन्हें चेक कराने आ रहे हैं तो हमें जो प्लास्टर तो हमें पापा के पैर में पहनाने हैं बेटा हटो. Mother, my feelings are there in the plaster. तुम्हारी फीलिंग्स गई घुइया के खेत में आई बात समझ में हटो ते. Mother, please, mother, stop. Mother. Your phone is gone in the plaster. How are you calling me, Kamlesh? कह बेनी जी 3-4 महीने का मैल इकट्ठा धो रहे का ऐसा है राजेश हमारे कपड़े में से मैल का एक दाग भी अगर निकाल लोगे ना तो 1,00,000 रुपए का इनाम दे देंगे हम तुम्हें. अच्छा हाँ 1,00,000 रुपया है तुम्हारे पास? हाँ तुमका इतना गया गुजरा समझिए हमका. अरे करोड़ों की जमीन है हमारी प्रयागराज में नैनी में झूसी में समझे. बे तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए थे वरना तुम तो घुइया उखाड़ लेते. हाँ एक बार तुम बस विमलेश का हाथ हमारे हाथ में दे के दे देखो फिर बताते कितना घुइया उखाड़े हैं. जे का बोल ले? हाँ नहीं नहीं हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे मतलब का हालचाल है दरोगा बाबू के. अरे बई हड्डी बई खाल है. और तुम्हारी मम्मी? बे टर टर कर रही और क्या करें. अरे हम इनकी बात नहीं कर रहे इनके बारे में तो सब जानते मतलब तुम्हारी अपनी मम्मी सासू जी. हमारी मम्मी? बे तो बहुत अच्छी हैं. हाँ और ये मतलब ये कहाँ है अपनी विमलेश कहाँ है? बे मम्मी के पास है. अच्छा कानपुर नहीं आ रही का? अरे कानपुर आई है तो फिर मम्मी का ख्याल कौन रखे बदायूं में. नहीं हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे बस. अगर विमलेश से मेरी शादी करा दो तो तुम्हारी अम्मा का पूरा ख्याल रखेंगे कसम विमलेश की. अच्छा बेनी इतने आओ ना एक काम है तुमसे. हाँ बता बता मतलब क्या उसको विमलेश को बदायूं से कानपुर लाने के लिए जाना है क्या हमको? पूरी बात सुना करो बीच में लड्डू ना गप करा करो. नहीं नहीं बताओ राजेश क्या बात मतलब क्या मतलब हप्पू क्या रिश्वत लेते हो पकड़ा गया क्या? हाँ तुम तो यही चाहते हो कि भी पकड़े जाएं और तुम करो अपनी जेबें गरम उनका केस लड़के. नहीं नहीं ही इज माय फ्रेंड मैं उससे थोड़ी ना फीस का पैसा लूंगा नेवर. अच्छा सुनो ना वो डांस की प्रैक्टिस के लाए ना हप्पू ने कमिश्नर साहब से झूठ बोल दो कि उनकी टांग टूट गई है. तो अब का कमिश्नर साहब घर आ रहे हैं देखन की टांग टूटी है कि ना टूटी है. तो फिर क्या करें? तुम ना झूठ मूठ के डॉक्टर बन के आए जाओ ठीक है और उनके सामने बोल दियो कि इनकी टांग टूट गई है. अरे वाह राजेश मजा आ गया. देखो क्या है ना हम भी बचपन से वकील बनने से पहले हम भी MBBS डॉक्टर बनना चाहते थे. तो होएगा ना सोने पे सुहागा. तुम अपनी सारी डॉक्टरी वहीं झाड़ दियो. हाँ हाँ अरे तुम टेंशन मत लो कमिश्नर के सामने हम ऐसा जबरदस्त एकदम मेडिकल डॉक्टरी झाड़ेंगे ना कि वो भी जो है ना अपना खुद का इलाज कराने के लिए हमसे अपॉइंटमेंट मांगता फिरेगा. वही लोग बात अब तुम ना देखो उनके साथ. एक मिनट ये बहुत गलत हो रहा है मम्मी ये तो ना होने दूंगी मैं हमारे घर में. तो कमिश्नर साहब को सच बोल दे का? तू ना बताएगी ना तो ये हरियाणा पुलिस की ईमानदार ऑफिसर बता देवेगी समझी. देख लेना टांगे तोड़ के ना भाई हरियाणा पुलिस को दे दिए. ये झूठ सबको बहुत महंगा पड़ेगा बहुत गलत से मैं ना होने दूंगी. अरे तुम छोड़ो ये ज्यादा हरिश्चंद की औलाद बनती है सच्चाई की देवी. तुम तो ऐसा काम करो कि तुम तैयार होकर बैठ जाओ हम तुम्हें बुलाएं तुम आ जाइयो ठीक है. डॉक्टर बन के हम बुलाएं तभी आइयो पहले लिम्फोसार्कोमा. अब कहां गई तुम हरिश्चंद की औलाद तुम ऐसे बोल ले. ये हैं औलादे तू सारे अपनी अम्मा की सौतन ले आतो रहिए पढ़ाई ना करिए कब हूं. अरे क्यों भड़क रहा है? अरे छाती पे मूंग दल रहे हैं और क्या है अम्मा हमें बड़ी टेंशन हो रही है
हमें जो लग रहा होगा कि जो जितना अपन ने करो है ना सब कमिश्नर को विश्वास होगो कि ना होगो। अरे क्यों चिचिया रहो है? अरे जे प्लास्टर एकदम सच्चो लग रहो है। अरे वो कमिश्नर को बिल्कुल यकीन हो जाओगो कि जे तेरी टांग सच्ची में टूटी हुई है। भगवान करे अम्मा ऐसे ही हो, नहीं कसम से कह रहे दरोगाई तो सारी गई। अरे दरोगाई कैसे चली जाएगी? हमारे होते हुए हम नींबू नानी छोड़ देंगे। हाँ नीतू। अरे मम्मी मारा होते हुए कोई झूठ ना बोलेगा इस घर में। तुम पागल हो गई का? ज्यादा बाजीराव सिंघम की बहन ना बनो तुम। देख तू एक बात कान खोल के सुन ले, यो मारे उसूल मारे आदर्श के सख्त खिलाफ से। हाँ बड़े आए तुम्हारे उसूल तुम्हारे एक आदर्श। हाँ तुम्हारे बाप की नौकरी जाइए तब कहाँ से खाया 2 जून की रोटी उसूलन से। यार वो क्या उसूल? इतने ससुर दीवार फिल्म चल रही है ना, बताओ जो का चल रहा है, का राय तो फैला रहे सब। हम ना फैला रहे, तुम्हारी लल्ली है जो फैला रही। अरे का रायता फैला रही है? अरे अम्मा जे बोल रही कि कमिश्नर साहब को सब सच बता दिए। हाँ